Yeah, I think it's really nice. Yeah, I think it's a birthday come or a marriage party, a marriage bash. I think I'm really late for this, or I'm sure everyone's there. Yeah, everyone's up there and they're having a good time. And मुझे ऊपर जाना है. I think it's 12 बजने पहले मुझे ऊपर जाना है. Yeah, I don't want to be like the next day. So I'm glad I just made like 5 minutes before time. But ठीक है. Yeah, it's a nice time and I think Sandeep and come here. He's one of the most क्या बोलूँ मैं मतलब सोच के तारीफ करनी पड़ेगी मुझे. I think he's one guy who's very particular about things in life, and it's nice to see him really well dressed today. Usually he's a very chilled out guy, but I actually couldn't recognize him. Dude, you're looking really nice today. Thank you. मतलब क्या लपेट के मारा है मतलब for a change he's looking really nice. He's looking nice, and I'm sure even the his lovely bride right there, Aditi, आजा यार. आहना अदिति आहना जी हाँ जिसके जो हमेशा सबके मुंह तोड़ते रहती है आज ये एक्चुअली मतलब बहुत अच्छी लग रही है शो में थैंक यू सो वी सी यू गाइस थैंक्स अ लॉट थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू पीपल बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू किस तरीके से एंजॉय किया आपने अपनी शादी को पूरी तरीके से एक्चुअली आई गेस सबसे ज्यादा हम ही ने एंजॉय किया हमारी शादी को और सबसे ज्यादा नाचे भी हम हैं सबसे ज्यादा मस्ती भी हमने मारी है तो हाँ जितना यूजुअली बाराती या जो आते हैं गेस्ट वो एंजॉय करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमने एंजॉय किया हमको सब ने यही बोला था कि बेटा तुम्हारी शादी है तुम कहाँ एंजॉय कर पाओगे वो औरों के लिए होता है वी प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग हमने अपनी शादी को एकदम खुशी से आराम से इत्मीनान से एंजॉय किया पूरे दो दिन इनफैक्ट इतना के लोग स्पेशली मेरी साइड की फैमिली सब आके मुझे बोलते तुम दुल्हन हो थोड़ा कम डांस करो थोड़ा कम एक्साइटेड हो कुछ देर तो सहम जाओ मतलब दुल्हन की तरह शर्मा लो बेसिकली मेरी पूरी कास्ट है कृतिका निकितिन शरद वो है इनके कुछ दोस्त हैं और बिग बॉरो स्टील जो भी रिसेंटली हुआ था उसकी पूरी टीम है तो बेसिकली फ्रेंड्स इट्स जस्ट फ्रेंड्स नो फैमिली तो हमारी यहाँ रहती है नहीं तो जस्ट फ्रेंड्स जीवन में चिराग लेकर ढूंढती नहीं मिलता और क्या चाहिए मतलब सर आप तो लालच जगा रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे आप आई गेस बेस्ट गिफ्ट जो मुझे मिला है मुंबई आने के बाद वो है मेरी पपी She is the best thing that's happened to us. हाँ, जो कि पपी नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है. हाँ, वो बच्चे बड़े होते हैं, तो वो भी बड़ी हो चुकी है. But that's the best gift I've got so far. Yeah. मतलब हमारा परिवार शादी के पहले से ही बस चुका था. हमारी बिटिया है, जिसका हम एकदम पेरेंट्स की तरह ध्यान रखते हैं. तो वो I think she is completed our life. Yeah. Before and after marriage. क्या सर शादी के बाद आप कुछ बदलाव चाहेंगे इनमें कुछ बदलाव नहीं बस थोड़ा सा कम डांटे कम मारे काफी है हमारे लिए
आप कोई बदलाव चाहेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो. नहीं, लिस्ट मतलब वैसे ही है, बस छोटी मोटी चीजें, पर मेजर कोई बदलाव नहीं चाहती. अगर बदल गया तो छोड़ दूंगी. बताओ हमारा वैलेंटाइन प्लान बेसिकली ये है कि हम मैं, संदीप और देसी हमारी बेटी, हम तीनों जा रहे हैं गोरे बीच एंजॉय करने के लिए. एक पूरा फैमिली डे होगा हमारा, सुबह से शाम तक वहीं रहेंगे. दैट्स अबाउट इट. बीच अभी तक श्योर नहीं है कौन सा होगा, लेकिन कोई एक अच्छे से शांत बीच पर जाएंगे जहाँ पर जनता कम हो और आराम ज्यादा हो. आज का सेलिब्रेशन बहुत ही इनफॉर्मल है. बेसिकली हमारे सब फ्रेंड्स हैं एंड डांस होगा, मस्ती होगी, हंसी मजाक होगा. बेसिकली वी आर गोइंग टू लेट आर हेयर डाउन और उसके बाद शाम खुद आगे बढ़ेगी और हमको आगे बढ़ाएगी और क्या. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बस ऑलरेडी उन्होंने एक नई ज़िंदगी में कदम रख चुके हैं दोनों एक साथ और आगे बहुत सारे पड़ाव हैं जो उनको पार कर रहे हैं. सो वी आर द वेल विशर्स. हम लोग आए हैं तो साथ में मिलके ही पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे, दोस्ती रहेगी हमारी. वी विश देम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ और और हम लोग उनकी वेडिंग हैदराबाद में जो वेडिंग हुई थी, सो वी वर पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. सो बहुत खुशी है कि आज वो अपनी 2 months एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई गेस 3, 4, 5 करते रहें और पार्टीज ऐसे ही देते रहें. सो वी विश देम गुड लक. सारे दांत गिर जाए तब तक 80 साल तक. तो मैरिज का तो काफ़ी इन्जॉयमेंट किया था, ये पार्टी में क्या प्रिपरेशन, कितना इन्जॉय करने आ रहे हैं? बस ये प्रिपरेशन अभी ऊपर जाके देखते हैं, इन्जॉय करेंगे. नहीं होगा तो हम कर देंगे. नहीं नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग यहाँ पे पार्टी करते रहते हैं T3 में. सो आई गेस इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस एंड दिस इज आवर फेवरेट प्लेस. सो ऑलरेडी आई थिंक पूरा सेट हो चुका है, ऑल फ्रेंड्स आर सेट टू रॉक द पार्टी. या थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हाउ आर यू? आप आई विश अदिति एंड संदीप अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. दो Marriage is a gamble nowadays, but she is lucky to have Sandeep and Sandeep is lucky to have Aditi in his life. And we know them well during the shoots also, or pehle se bhi hum jante hain, and they are very, very, very lovely couple, very understanding and very mature. So I wish them a very, very happy married life.